हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ STSUV के बारे में, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, कौन कौन से कोर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं STSUV एडमिशन 2023 एप्लीकेशन सून डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करेंट स्टेट, करेंट सिटी, इंटरेस्ट, कोर्स, हाइजेस्ट क्वालिफिकेशन, गेट वे कौन सी पे क्लिक कर लेना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू STSUV से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री आपको असेसमेंट्स कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्री देवी सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी हैज़ इशूड एन STSUV एग्ज़ाम्स डेट शीट ऑनलाइन एंड द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये जो यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म है श्री देवी सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। एग्ज़ाम डेट शीट आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपका 2012 में इसके बारे में दिया गया था, अपीयर्ड किया गया था। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड का। और यहाँ पे आपका कौन कौन से कोर्स आपको स्ट्रीम मिलने वाली है, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंस, टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है? इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लॉर्म एडमिशन स्टार्ट है। UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, पारन यूनिवर्सिटी, इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे फुल फ्लॉर्म एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना और एडमिशन ले लेना है। अब कौन कौन से कोर्स हैं, आर्ट कोर्स में कौन कौन सा है, BEd है, MA इंग्लिश है, MA हिस्ट्री, MA मैथमेटिक्स, MA फिलोसफी, MA पॉलिटिकल साइंस। तो BEd जो है वो 1 ईयर का है और सब MA आपका 2 ईयर्स का है। और कॉमर्स कोर्स में आपका MCOM है 2 ईयर्स का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट किए गए हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म मई में रिलीज़ होगा और लास्ट डेट आपका जून में रहेगा। एग्ज़ाम फी आप जून में फिल कर सकते हैं। तो ये डेट कंफर्म नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे मेंशन नहीं है। जब भी डेट कंफर्म होते हैं तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ होने वाला सभी कोर्सेज़ के लिए। श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। जिस भी कोर्स के लिए आप करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। तो यहाँ पे फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी पे कर लेना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में आप एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी, एलिजिबल कौन से कैंडिडेट होंगे, क्या है एलिजिबिलिटी। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या करना है, अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है। बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद आपको एडमिशन कराना है और वहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिलेगा। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम रहेंगे। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम फिल कर देना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर रख लेना है, जो कि आपको एडमिशन प्रोसेस के दौरान काम आएगा, काउंसलिंग के दौरान काम आएगा और आपको सेंटर पे लेके जाना रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर पे। अब बात करते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट चेक करना है, कैसे करना है,
रिजल्ट चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर फिल करके अपना एडमिट कार्ड का रिजल्ट अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है। और एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग के दौरान आपके रिजल्ट की कॉपी चाहिए रहेगी तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन के, एडमिशन कैसे होगा आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2023-21 में। यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट के बेस पे यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट डेट से पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन ले लेना था। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स। तो अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ पे जाके चेक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।